हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी के यहाँ पर स्वागत है मेरे चैनल व्हाट्स न्यू के। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि आप अपने Redmi 3S या फिर Redmi 3S Prime पे MIUI 10 की जो पोर्टेड रोम है विद एंड्रॉइड नोगट, उसको कैसे आप अपने Redmi 3S या फिर Redmi 3S Prime पे इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में आपको इन सारी फाइल्स के लिंक मिल जाएंगी। वहाँ जाके आपको MIUI 10 की जो फाइल्स है, इन सारी फाइल्स को डाउनलोड करना है आपने। डाउनलोड हो जाने के बाद दोस्तों, आप इसको SD कार्ड या फिर OTG पे यानी कि पेन ड्राइव पे मूव कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपने अपना मोबाइल जो उसको रिबूट करना है, TWRP या फिर कोई भी कस्टम रिकवरी में रिबूट करना है उसको। अब दोस्तों, वाइप पे क्लिक करना है हमें, फिर जाना है हमें एडवांस पे, और इन सब को जो सिलेक्ट करके यहाँ से स्वाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों, हमें मेन मेनू पे आ जाना है। मेन मेनू पे आने जाने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक करना है। आपने जहाँ भी वो फाइल कॉपी की है उस स्टोरेज पे जाना है, उस फोल्डर में चले जाना है, और सबसे पहले MIUI की जो फाइल है उसको सिलेक्ट करके, उसके बाद बिकॉम पैनल की फाइल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद लेजी फ्लैशर की जो फाइल है उसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से स्वाइप कर देना है। दूसरी जो फाइल है उसको ज़रूरत पड़ने पर ही हम फ्लैश करेंगे, अभी इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है तो इसको फिलहाल हम रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों, अब आपको वेट करना है, जब तक ये फ्लैश हो जाती है तब तक आपको वेट करना है। अब दोस्तों, थोड़ी देर में ये अपने आप ही पावर ऑफ हो जाएगा, देख लीजिए आप दोस्तों। ऐसा हो जाने के बाद आपको वापस से रिकवरी मोड जो उसको ओपन करना है। अगर दोस्तों आपका रिकवरी मोड ओपन नहीं हो रहा तो आप फास्ट बूट मोड जो है उसको ओपन करिए, बाद में आप रिकवरी मोड को ओपन करने की ट्राई करिएगा तो आपका जो रिकवरी मोड है वो आसानी से ओपन हो जाएगा। तो आपको सिंपली रिकवरी मोड है उसमें जाना है। तो लीजिए, हमारा जो रिकवरी मोड है यानी कि TWRP है वो ओपन हो गया है। अब दोस्तों, आपको वापस से जो हमने फाइल फ्लैश की थी उसको फ्लैश करना है। सिर्फ MIUI की जो फाइल है उसको रहने देना है, बाकी की जो BCOM की जो फाइल है उसको फ्लैश करना है, और लेजी फ्लैशर की जो फाइल है उसको भी फ्लैश करना रहेगा हमें। तो उस फोल्डर में वापस से जाइए, सबसे पहले BCOM कर्नल की जो फाइल है उसको सिलेक्ट करना है हमें, उसके बाद एड मोर जिप करना है, और लेजी फ्लैशर की जो फाइल है उसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से स्वाइप कर देना है। अब दोस्तों, हमें कोई भी और दूसरी फाइल जो है उसको फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों आपको म्यूजिक यानी कि ऑडियो का फिक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उसका फाइल भी यहाँ पर है, अगर आप चाहें तो उसको भी फ्लैश कर सकते हैं इसके साथ। अब दोस्तों, आपको सिंपली थोड़ी देर तक वेट करना है, जब तक ये प्रोसेस जो कंप्लीट नहीं हो जाता है। जैसे ये प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाता है, आपको सिंपली वाइप कैच करके यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो वाइप का बटन है उस पर क्लिक करके यहाँ से वाइप कर देना है, और सिंपली आपको सिस्टम जो है उसको रिस्टार्ट करना है। तो अब दोस्तों, आपका जो मोबाइल है वो सक्सेसफुली रिस्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बूट लूप या फिर कोई और भी प्रॉब्लम जो है उसमें नहीं फेस होगी आपको। अगर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे सिंपली कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो MIUI 10 है कम्प्लीटली फ्लैश हो गया है। अगर दोस्तों आपका जो मोबाइल है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप थोड़ी देर तक वेट कर लीजिए, करीब करीब 15 से 20 मिनट तक आपको वेट करना है, वो अपने आप ही जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं इसको जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ और आपको आगे का MIUI 10 का जो लुक है वो आपको दिखा देता हूँ। सो
सो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं मेरा जो MIUI 10 है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है Redmi 3S Prime पे। तो इसी तरह से दोस्तों आप अपने Redmi 3S या फिर Redmi 3S Prime पे Android Nougat वाला जो पोर्टेड रोम है MIUI 10 का उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका भी सॉल्यूशन देने की आपको ट्राई करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।